नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज के इस वीडियो में मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A50 फ़ोन है और इस फ़ोन के अंदर रीस्टार्टिंग का इशू है। दोस्तों, ये जो रीस्टार्टिंग का इशू है ये सैमसंग की बहुत सारे फ़ोन में देखने को मिलते हैं, जैसे A सीरीज, M सीरीज, F सीरीज और S सीरीज में भी इस तरह प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं जिसके अंदर डबल डेकर IC है। और इस प्रॉब्लम का रीज़न CPU और RAM के बीच का जो कनेक्टिंग है वो डिसकनेक्ट या तो लूज होना, और इसका सिंपल सॉल्यूशन CPU और RAM को रिवॉल्व करके लगाना होता है। तो आज हम इस वीडियो में इस फ़ोन की CPU और RAM को किस तरह बहुत ही आसान तरीकों से रिमूव करके फिर रिवॉल्व करके लगाना होता है वो देखेंगे। तो दोस्तों, आपको अगर डबल डेकर IC में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो में इसकी फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और दोस्तों, आप अगर सैमसंग की A50 फ़ोन की डबल डेकर IC को कर लेते हो तो आप कोई भी फ़ोन की डबल डेकर IC को बहुत ही ईजीली कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले फ़ोन को ओपन कर लेते हैं। मैंने फ़ोन को ओपन करके मदरबोर्ड को भी अलग कर लिया है और अभी कैमरा को भी मदरबोर्ड से अलग कर लेंगे। दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे इस मदरबोर्ड में दो मार्क लगा देता हूँ ताकि ये किसी को ना लगे कि मैंने मदरबोर्ड को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अभी हमारा जहाँ पे CPU और RAM है उस जगह में एक स्पेस बना लेते हैं। तो इसके लिए हम PCB सील को काट करेंगे, तो सील को काट कर लेते हैं। दोस्तों, PCB सील को आप बिल्कुल आराम से काटें, यहाँ पे आपको जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे में हमारा मदरबोर्ड डैमेज भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे इस तरह इस सील को धीरे धीरे काटें, मैं जिस तरह काट रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारा PCB बिल्कुल फ्रेश है, कहीं पे कोई प्रिंट डैमेज नहीं हुआ है। अभी हम IC को रिमूव करने से पहले IC की चारों तरफ जो ग्लू लगी हुई है उसको काट करेंगे। दोस्तों, मैं इस काम के लिए क्विक का 857DW प्लस SMD रिवर्क स्टेशन यूज़ कर रहा हूँ, और मैं अभी ग्लू कटिंग के टाइम टेम्परेचर को 270 और AR को 2 पे रख के ग्लू कटिंग कर रहा हूँ। ग्लू कटिंग के टाइम आप IC की चारों तरफ पहले हीट कर लीजिए ताकि ग्लू सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद ही आप ब्लेड को चलाएं। ठीक है, और मैं इस टाइम कौन सा ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ। ग्लू कटिंग के बाद अभी रैम को रिमूव करेंगे, तो इसके लिए IC की चारों तरफ फ्लैक्स पेस्ट अप्लाई कर देंगे। मैं इस टाइम किंगबो का RMA218 फ्लैक्स पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, और इस टाइम मैं टेम्परेचर को 360 और AR को 2 पे ही रखा है।
दोस्तों, आईसी को रिमूव करने से पहले आपको क्या करना है, आईसी की चारों तरफ आपको अच्छे से बिल्कुल अच्छे से हिट कर लेना है, ठीक है। और स्क्रैपर को आपको इस तरह बिल्कुल आराम से डालना है ताकि हमारा आईसी डैमेज ना हो। और यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह स्क्रैपर को डाल के आईसी को उठा लेना है। रैम को रिमूव करने के बाद अभी हम सीपीयू को रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हॉट एयर गन को इस तरह चारों तरफ घुमाते रहना है और स्क्रैपर को इस तरह एक साइड में पहले डालना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बिल्कुल हल्के हाथों से स्क्रैपर को डालना है, इसमें आपको ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अंदर का जो प्रिंट है वो डैमेज हो सकता है। सिर्फ आपको आईसी की अंदर एक गैप बना लेना है, ठीक है। इस तरह स्क्रैपर के जरिए गैप बना लेना है और आपको हॉट एयर गन को चलाते रहना है आईसी की चारों तरफ। और इस तरह आपको बिल्कुल हल्के हाथों से सीपीयू को उठा लेना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सीपीयू रिमूव हो चुका है और अभी हम पीसीबी की इस जगह को क्लीन कर लेंगे। तो इसको क्लीन करने से पहले मैं इसके अंदर सोल्डर अप्लाई कर रहा हूँ और इस टाइम मैं सुगोन का T26 सोल्डर आयरन यूज़ कर रहा हूँ और इसमें मैं इस टाइम टेम्परेचर को 360 रखा है। इस टाइम में रिलाइफ का 3.0 डी सोल्डर यूज़ कर रहा हूँ। और दोस्तों, डी सोल्डरिंग के टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा पेस्ट यूज़ करें, ऐसे में प्रिंट डैमेज होने का खतरा कम रहेगा। और इस बात को भी आप ज़रूर ध्यान रखें, इस तरह क्लीनिंग के टाइम आप सोल्डर आयरन को ज़्यादा प्रेशर देके ना चलाएं। दोस्तों, हमारा पीसीबी क्लीन हो चुका है और अभी हम सीपीयू की नीचे की साइड क्लीन करेंगे। तो सीपीयू को क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे टेम्परेचर को 300 और एयर को 3 पे सेट किया हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ पे सीपीयू के नीचे की साइड बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है और अभी हम सीपीयू की ऊपर की साइड को क्लीन करेंगे जहाँ पे हमारा रैम बैठेगा। तो अभी हम ये जो एक्स्ट्रा सोल्डर है उसको सोल्डर आयरन की मदद से रिमूव कर देंगे। तो पहले अभी इसमें पेस्ट अप्लाई करेंगे, उसके बाद जितना हो सके इसकी बॉल को सोल्डरिंग आयरन की मदद से एक जैसा बना लेंगे। Thank you.
इस तरह बॉल को एक जैसा बनाने के बाद अभी पॉइंट्स का जो गड्ढा है यानी सिलेंडर को अच्छी तरीके से क्लीन करना है। इसके अंदर आपका ग्लू नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका काम सक्सेस नहीं होगा। आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन करना है। मैं इस टाइम इसको क्लीन करने के लिए डूको थिनर यूज़ कर रहा हूँ और मैं ब्रास सनसाइन का 022B यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों इस कंडीशन में आपको टाइम ज़रूर लगता है ग्लू को साफ करने के लिए, और आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे केमिकल आ चुका है सुपर ग्लू रिमूवर। मेरे पास ये सुपर ग्लू रिमूवर केमिकल है, मैं इस टाइम ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं ग्लू को क्लीन करने के लिए थिनर को ही यूज़ करूँगा। आप चाहे तो सुपर ग्लू रिमूवर यूज़ कर सकते हो। इस टाइम मैं कुछ कंडीशन में सुपर ग्लू रिमूवर केमिकल यूज़ करता हूँ, लेकिन उसके जगह आप थिनर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि थिनर का जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि क्लीनिंग में बहुत टाइम लगता है। देखिए दोस्तों सिलेंडर हमारे यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुका है। अभी आईसी में सोल्डरिंग पेस्ट भरने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर अप्लाई करूँगा, क्योंकि कोई भी गड्ढे में अगर लिक्विड है तो वो सूख जाएगा और ऐसे में रिबोलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। हमारा आईसी यहाँ पे क्लीनिंग हो चुका है और अभी हम इसमें सोल्डरिंग पेस्ट अप्लाई करेंगे। और इसमें मैं रिलैप का 402 सोल्डरिंग पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ और ये 183 डिग्री सेल्सियस का है। सोल्डरिंग पेस्ट को भरने के बाद आईसी की चारों तरफ क्लीन कर लेंगे, ताकि कहीं पे सोल्डरिंग पेस्ट लगे ना रहे। आईसी हमारा यहाँ पे बिल्कुल क्लीन है और अभी इसको रिवॉल्व करने के लिए यहाँ पे टेम्परेचर को 290 और यार को 1 पे रख के इसको रिवॉल्व करेंगे। अभी इसमें हम रोजिन की स्मोक अप्लाई करके फिर से एक बार टेम्परेचर को अप्लाई करेंगे। Thank you.
इस साइड हमारा रिवॉल्व कंप्लीट हो चुका है और अभी हम नीचे की साइड को रिवॉल्व करेंगे। हमारा सीपीयू की दोनों साइड रिवॉल्व और क्लीनिंग कंप्लीट हो चुका है और अभी हम रैम को रिवॉल्व करेंगे और उसके बाद उसको इंस्टॉल करेंगे। तो पहले रैम को क्लीन करके इसको रिवॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा रैम भी रिवॉल्व और क्लीनिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी हम पहले मदरबोर्ड में सीपीयू को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद रैम को। ठीक है, तो पहले सीपीयू को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे तो मदरबोर्ड में आईसी को इंस्टॉल करने से पहले इसमें हम थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई कर देंगे चारों तरफ। और इसके बाद आईसी को सही डायरेक्शन में बिठाएंगे। आईसी की पोजीशन को मेजरमेंट करने के लिए दो साइड में दो मार्क दिया हुआ है, इसी दोनों मार्क के अंदर ही आईसी को बिठाएंगे। आईसी हमारे यहाँ पे सही से बैठ चुका है और अभी मैं इस टाइम टेम्परेचर को 335 और यार को 2 पे रख के आईसी को सोल्डिंग कर रहा हूँ। और इस तरह आपको आईसी को सोल्डिंग करने के टाइम हॉट एयर गन को आईसी की चारों तरफ इस तरह घुमाना है। ठीक है, दोस्तों मैं आप लोग को फिर से बता रहा हूँ, मैं जो यहाँ पे फ्लैक्स पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ ये किंगबो का RMA218। दोस्तों सीपीयू हमारे यहाँ पे बैठ चुका है और अभी हम बोर्ड को थोड़े टाइम कूल करने के बाद डीसी सप्लाई में इसकी रीडिंग लेंगे।
इसमें जो रीडिंग आना चाहिए डीसी सप्लाई में वो 200 की आसपास रीडिंग आना चाहिए, और जो रीडिंग आएगा वो स्टॉक रहेगा। तो हमारा जो रीडिंग है ये सही है, यानी हमारा सीपीयू सही से लग चुका है। अभी हम रैम को इंस्टॉल करेंगे। रैम को बिठाने से पहले इसमें हम पेस्ट अप्लाई कर देंगे सभी बॉलों में। और इस टाइम भी सेम टेम्परेचर और एयर रहेगा। दोस्तों अभी हम मदरबोर्ड को क्लीन करके फोन को ऑन करके देखेंगे और उसके बाद फाइनल चेक करेंगे। और इससे पहले मैं आपको मदरबोर्ड को दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो यही हमारा मदरबोर्ड है जो मैं यहाँ पे दो निशान लगाया था। ठीक है, तो अभी हम इसको चेक करके देखेंगे हमारा जो काम है ये सक्सेस हुआ है या नहीं। देखिए दोस्तों फोन तो हमारे यहाँ पे ऑन हो रहा है। अभी हम इसकी कैमरा और रिंगर को भी चेक करके देखेंगे हमारा ये काम पूरी तरीके से सक्सेस हुआ है या नहीं। तो दोस्तों फाइनली हमारा ये काम सक्सेस हुआ है। तो इस तरह आप लोग डबल डेकर आईसी का काम कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नया वीडियो के साथ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।